नमस्कार, मैं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज के हिंदी समाचार। हरियाणा के नूह के कई वाहनों को जलाया गया था, तोड़फोड़ की गई, साथ ही कई श्रद्धालुओं पर कातिलाना हमला भी हुआ था। इस बात का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद द्वारा वैरायटी चौक पर जमकर आंदोलन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और पाकिस्तान का झंडा बैनर को चलाया, जिसमें यातायात में अफरा तफरी भी मची थी। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनके आंदोलन स्थल से ये ग्राउंड रिपोर्ट। आप सब मीडिया के लोग हैं, पिछले दो दिनों से मीडिया के अंदर सारा विषय चल रहा है और इसलिए बजरंग दल पूरे देश के अंदर आज 2 तारीख को और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हरियाणा के मेवात में जिस प्रकार से शिव मंदिर से निकलने वाली, प्रतिवर्ष निकलने वाली शोभा यात्रा, उसके ऊपर जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके और वहाँ के मुस्लिम समाज ने आतंकवादी हमला किया है, इसको मैं आतंकवादी हमला कहता हूँ, इससे पथराव नहीं है। ये हिंदू समाज को डराने का, भड़काने का और हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार करने का मामला है। योजनाबद्ध तरीके से पहाड़ों के ऊपर बैठ करके वहाँ से पत्थर चलाना, वहाँ से गोली चलाना, मकानों के ऊपर खड़े होकर के महिला पुरुष सबने मिल करके शोभा यात्रा को पथराव करना, ये कौन सी बात है? सरकार का फेलुअर है, हरियाणा सरकार की इंटेलिजेंस फेलुअर है, जो इस प्रकार की घटना वहाँ हो गई, जहाँ 25,000-30,000 हिंदू एक जगह एकत्रित हो रहा है, वहाँ पे पुलिस वालों की संख्या कम रखना, ये क्या दर्शाता है और क्यों हुआ ऐसा? और इस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करना, जब चाहे जब आक्रमण हो जाता है, राम जन्मभूमि के राम मंदिर के राम नवमी की शोभा यात्रा के ऊपर पथराव हो जाता है, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पे पथराव हो जाता है, कांवड़ यात्रा के ऊपर पथराव हो जाता है, क्यों होता है ये? और इसकी जरा जांच करनी चाहिए। हिंदुओं के संयम की परीक्षा मत लो। यदि हिंदुओं ने अपने आत्मरक्षा के अंदर किसी प्रकार की कोई गतिविधि करने का प्रयास कर लिया, संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए मेरा चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उससे मेरा निवेदन है, हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं का, हिंदुओं के धार्मिक मंदिरों का, हिंदुओं की धार्मिक संस्कृति का और संरक्षण करना, ये आपकी आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, इसको ठीक ढंग से निभाइए। ये तो हिंदू अपनी आत्मरक्षा के अंदर जो कदम उठाएगा उससे आपको संभालना बड़ा कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आपने बोले पथराव हुआ है, तो कितने लोग घायल हुए उसमें? सैकड़ों लोग घायल है, सैकड़ों। अब आंकड़ा तो आपको भी मिला नहीं होगा, ट्रीटमेंट चालू है, हॉस्पिटलाइज्ड है, वहाँ के सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, कुछ लोगों को बड़े शहरों में लेकर के गए हैं, बस सब चल दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम बर्डी पे है। हम आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा की नू में जिस तरह से जो घटना हुई थी, कई बसेस को जलाया गया था, कई पथरावबाजी भी हुई थी, इस बात का आज विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद की ओर से यहाँ पे
जमकर आंदोलन किया जा रहा है। इस समय में हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के गोविंद शेंडे जी मौजूद है, आइए उनसे जाना चाहेंगे। गोविंद जी, जिस प्रकार से ये जो कामकाज हुआ, ये जो घटना हुई है, क्या कहना चाहते हो, क्या आज आंदोलन किस लिए रखा गया है? अनेक वर्षों से वहां पर शोभा यात्रा चलती है। पांडवकालीन वो मंदिर है, 5 मंदिर है वहां पांडवकालीन, उसमें से इस शिव मंदिर के अंदर से शोभा यात्रा पिछले अनेक वर्षों से निकल रही है। शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकलती थी, इस बार भी लगभग 25,000 लोग वहां पर एकत्रित थे, लेकिन मुसलमानों को ये बात रास नहीं आई, क्योंकि वहां पर लगभग 90% मुसलमान रहता है, हिंदू मात्र 10-12% वहां पर बचा हुआ है। सारा पलायन कर गया इनके दहशतों के कारण, इनके गुंडागर्दी के कारण, इनके आतंक के कारण। लेकिन ये 10% मुसलमान हिंदुओं को भी कैसे तंग किया जाए, इस शोभा यात्रा को कैसा बंद किया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के इस शोभा यात्रा को चारों तरफ से घेरा गया। पहाड़ों के ऊपर बैठ करके पत्थर, गोलियां, लॉन्चर ये चलाए गए। नहीं, गोविंद जी ये बताए कि अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये जितने भी लोग हैं इनको चयनित किया जाए, इनको सोचा जाए, पकड़ा जाए, इनके ऊपर कार्यवाही की जाए, इनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इन पर लगाया जाए। और ये जो पाकिस्तान समर्थक, ये जो यहाँ पर आतंक फैलाने का घटना यहाँ पर चल रही, इसके मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए, और हिंदुओं को अपनी शोभा यात्रा, अपने उत्सव निर्बाध गति से करने की छूट मिले, उनको अधिकार मिले, ऐसा हमारा मांग है। बिल्कुल, हरियाणा की ये बात है, लेकिन आपने तो पाकिस्तान के झंडे जलाए, आखिर क्यों? पाकिस्तान का इसमें समर्थन है बिना, क्योंकि आप देखिए जो स्थान है वो तीन प्रांतों की बॉर्डर है, हरियाणा की बॉर्डर है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर है, राजस्थान की बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के अंदर का ये गांव, इसको 100% मुस्लिम करने का एक षड्यंत्र है। पिछले अनेक वर्षों से हम बार बार सरकार से इस बारे में निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ न जाने के कारण आज वहां 90% मुसलमान हो गया है, और इसके अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसको केंद्र बनाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने मणिपुर पे अभी भी अपना स्पष्ट रुख नहीं किया है, कई बार संसद में मांग उठी है कि नरेंद्र मोदी जी को कि बार बार आप आए, इस पे कुछ बात कहे, आगे आए, लेकिन ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या हरियाणा के नूह को लेकर भी इस तरह की बातें होंगी? हरियाणा की घटना और मणिपुर की घटना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा की घटना ये हिंदू मुसलमान के रूप में पाकिस्तान के समर्थन के साथ में घटना है, मणिपुर की घटना ये दो जातियों के अंदर की घटना है, और इन दो जातियों के घटना के कारण वहां पर जातीय संघर्ष है, यहां धार्मिक संघर्ष है, राष्ट्रीय संघर्ष है, और इस दोनों के संघर्ष को एक जोड़ा नहीं जा सकता। लोकसभा के अंदर सरकार बार बार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, आओ चर्चा करते हैं, परंतु विपक्ष जो है वो चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि चर्चा यदि की तो वो नंगे हो जाएंगे, कपड़े उतर जाएंगे, इसे चर्चा नहीं चाहता, हंगामा करके संसद को बंद करना चाहता है, इसे दोनों में बहुत अंतर है। तो आप थे गोविंद शेंडे, जिन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि संसद को बंद करना चाहते, विरोधी की ये मंशा है कि वे संसद का कामकाज नहीं चलने दे। जिस प्रकार से हरियाणा के नूह में ये जो घटना हुई है, जिसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जिनका कोई इस घटना से लेना देना नहीं, वे भी मारे गए, वे भी जख्मी हुए हुए हैं, और ऐसे में जिस प्रकार से देश में ये जो घटना घट रही है, इसका मैसेज अब पूरे विश्व में जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं भारत की गरिमा भी खतरे में गिरते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में आज नागपुर के इस बल्डी परिसर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक आंदोलन छेड़ा गया, जिसके चलते पाकिस्तान का झंडा जलाया गया, और पाकिस्तान के खिलाफ और जिन्होंने यह कामकाज किया है, ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ भी इन्होंने जमकर विरोध किया है। अब देखना ये होगा, क्या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या हरियाणा की खट्टर सरकार हो, यह आगे में क्या स्टैंड लेती है, किस तरह से लोगों को न्याय देती है, या फिर सरकार का काम भी ढाक के 3-5 जैसे ही होगा, क्या एक देखने वाली बात होगी। नागपुर के वैरायटी चौक से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज नागपुर।